नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गुना में केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, आज कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेते हैं, उनका काम थर्ड ग्रेड का। आज पूरे ग्वालियर क्षेत्र, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, राजस्थान, झालावाड़, ग्वालियर संभाग में जितने भी आज तक बांध बने हैं, सभी सिंधिया परिवार के पूर्वजों द्वारा किसानों के लिए बनाए गए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां विकास कार्यों में सिंधिया परिवार की छाप न रही हो। सिंधिया परिवार ने 120 वर्ष पहले ग्वालियर में जो हरसी बांध बनाया था, वो आज भी खड़ा है। 120 वर्ष बाद भी वह भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। आज के बांधों की तरह नहीं, आज जो बांध बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम थर्ड ग्रेड का होता है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेता है, दो वर्षों में टूट जाता है, लेकिन सिंधिया परिवार द्वारा बनाया गया बांध आज भी चल रहा है। यह बात केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को गुना में आयोजित धाकर किरार समाज के सम्मेलन में कही। केंद्रीय मंत्री मंगलवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे। यहां उन्होंने पहले बिमोरी विधानसभा की उमरी में आयोजित आदिवासी समाज के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान वह आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। इसके बाद गुना के एक गार्डन में आयोजित धाकर किरार समाज के सम्मेलन में वह शामिल हुए। आप मुझे अपने समाज का ही नागरिक समझे। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि धाकर किरार समाज राज्य की खुशहाली और प्रगति का अभिन्न भाग है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आप मुझे अपने समाज का ही एक नागरिक समझे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। सिंधिया परिवार ने सदैव किसान को अन्नदाता के नाम से पुकारा है। जो भी कार्य ग्वालियर क्षेत्र में हुए हैं, सारे कार्य किसान के प्रति थे। ग्वालियर में किसानों के लिए 1905 में किसानों के लिए पशु मेला शुरू किया। आज पूरे देश में सबसे बड़ा भव्य मेला ग्वालियर व्यापार मेला है। धाकर समाज दिल का भी धाकर है। केंद्रीय मंत्री ने धाकर समाज के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संबंध दिल का है, हमारा संबंध दिमाग से नहीं चलता। जहां दिल लग जाए वहां जान देने के लिए हाजिर है। धाकर समाज दिल का भी धाकर है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपके समाज के नेक दिल के साथ प्रदेश का नेतृत्व करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। जो राज 2003 के पहले बीमारू कहलाता था, शिवराज सिंह ने कमान संभाली। आज वो एक समृद्धशाली प्रदेश 18 वर्षों में बन चुका है। सिंधिया परिवार धाकर समाज के साथ खड़ा है, धाकर समाज भी मेरे साथ खड़ा है। पिछले 16 से 18 वर्षों में गुना में बहुत सफर तय किया है। एक एक जिले के विकास में बहुत कोशिश की है। सिंधिया ने कहा कि आज हमारे पास पीएम के रूप में नवरत्न है, जो दिन रात लगे हुए हैं भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के लिए। हम उनके सैनिक हैं। हम सब भारत को उस स्थान पर पहुंचाने में मेहनत करें जो 200 वर्ष पहले था। 500 वर्ष का सपना तो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। 22 जनवरी को अयोध्या नरेश भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या धाम में स्थापित कर दिया। पूरा विश्व अब अयोध्या के ऊपर ध्यान रखेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।